गाइस इस वीडियो में बात करने वाले WWE अपडेट्स के बारे में, रोंडा राउसी के बारे में बात कर लेंगे और भाई बात करने वाले ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। ऑस्टिन थ्योरी है नेक्स्ट जॉन सीना WWE के। यहां का लेकर रिएक्शन आ चुका है भाई रॉ वुमेन चैंपियन बनने के बाद। और भाई यहां पे हम बात करने वाले कोडी रोड्स के WWE डील के बारे में। तो सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लो बिना स्किप किए। अगर आपने स्किप किया था तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और अगर आपने नाइट 1 की जब वीडियो नहीं देखी तो भाई सुबह जाकर देख लेना, और नाइट 2 की प्रेडिक्शन वीडियो देखने तो वो भी डाल दी तो वो भी देख लेना। और अगर हमें चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर आपको WWE से रिलेटेड न्यूज अभी देखने को मिलती रहती है। चलिए आज के मार्केट को स्टार्ट करते हैं। बातों को शुरू करते हैं बियांका ब्लेयर के साथ। भाई बियांका ब्लेयर का रिएक्शन आ चुका है जिसका स्क्रीनशॉट आप इससे भी देख पा रहे हो। देख सकते हो भाई आपने यहाँ उन्होंने क्या ट्वीट किया कि बैक टू बैक #WrestleMania 3 down 1 to go #4 horsewoman। तो भाई बता देता हूँ ये 3 down 1 to go का क्या मतलब है। भाई उन्होंने जो 3 horsewoman है उनको हरा दिया है, और अब एक ही horsewoman बची है वो Charlotte है जिनको अभी तक नहीं हरा पाई है। बैकी लिंच, बेली और साशा बैंक को हरा चुकी है। तो बस वही कह दी है कि वो उनको जो है अब हराना है Charlotte को। और रिपोर्ट्स का भी ये कहना है कि जो WrestleMania 39 है वहाँ पे जो बियांका ब्लेयर है वो Charlotte से लड़ना चाहती है। तो ये मैच हो सकता है भाई, अगर आप देखना चाहोगे नहीं मैच कमेंट से जरूर बता देना। बात कर लेते हैं यार WrestleMania 38 के नाइट 2 के बारे में। तो भाई नाइट 2 पे जो बताया जाए कि आपको ज़्यादा है ना टाइटल चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आई कि दो ही तो टाइटल मैचेस है, उसमें भी क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। और एक तो डबल चैंपियन है तो उसमें तो पक्का टाइटल चेंज हो गई। मतलब यहाँ पे जो रॉ वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप, क्या बोल रहा हूँ, रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का जो है आरके ब्लू वाला मैच, उसमें आपको यार पॉसिबल 99.9% मान सकते हो कि आपको जो है टाइटल चेंज देखने को मिलने वाला। बात कर लेते भाई शेनो मैक के। भाई शेनो मैक जो है ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं। क्यों ट्रेंड हो रहे हैं? क्योंकि फैंस खुश है कि उन्होंने जो WrestleMania में सेथ रॉलिंस को फेस नहीं किया, बस इसी वजह से फैंस खुश है। शेन मैक में जो ट्रेंड हो रहे हैं बस यही कुछ था। तो मैं सोचा आपको बता दूं। बात कर लेते कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स के WWE कॉन्ट्रैक्ट को निकल डिटेल्स आ चुकी है। भाई उन्होंने खुद ही बताया कि उन्होंने जो है WWE के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन किया, मतलब या 3-4 साल आप मान सकते हो। और भाई ये जो है फुल टाइम में डील होने वाली, मतलब फुल टाइम देंगे ऐसा नहीं, भाई ब्रॉक लेसनर की तरह 4-5 महीने में एक बार आएंगे, फुल टाइम में डील होने वाली है। बात कर लेते रोंडा राउसी के बारे में। तो भाई रोंडा राउसी जो है 39 मैच हार चुकी है। अब उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते, उसके पीछे क्या रीजन से वो मैच आ रही वो तो अभी तो पता नहीं चला है। लेकिन एक चीज़ सुनने में आई है कि जब WWE हॉल ऑफ फेम की टेपिंग हो रही थी तो रोंडा राउसी वहाँ पे नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब रोंडा राउसी को पता चला कि WrestleMania 39 में वो मेन इवेंट नहीं करती, ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। और वो जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन छोड़कर चली गई, इसलिए वो हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे अपीयर नहीं हुई। और एक और रिपोर्ट निकल के आई है कि जो ओरिजिनली इट वॉज Charlotte Flair वर्सेस साशा बैंक्स फॉर WrestleMania 38, अगर रोंडा राउसी रिटर्न नहीं करती तो वहाँ पे जो साशा बैंक्स का ही होने वाला था मैच Charlotte Flair के साथ WrestleMania 38 में, लेकिन रोंडा राउसी ने रिटर्न कर लिया। तो भाई Charlotte Flair का जो स्पॉट है वो रोंडा राउसी ने छीन। बात कर लेते ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो भाई विंस विकन को लगता है, रिपोर्ट्स का ऐसा कहना कि विंस विकन को लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी नेक्स्ट जॉन सीना ऑफ WWE। तो भाई मुझे यहाँ पे बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कि नेक्स्ट WrestleMania जहाँ पे होने वाला हॉलीवुड में ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना मैच हो सकता है। और हो सकता है शॉकिंग में यहाँ पे जॉन सीना हारते हुए नजर आए ताकि वो ऑस्टिन थ्योरी को ओवर कर सके और न्यू फेस बना सके कंपनी का। और इसलिए जो विंस विकन के साथ ऑस्टिन थ्योरी घूमते रहते हैं। तो अभी फाइनल आपको पता चल चुका है। गाइस वीडियो को देते अपडेट्स, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ।